ये सामने हमारे रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्थापित किया था, एस्टैब्लिश किया था। इसमें दो फोटो जो हैं ये यक्ष और यक्षिणी की हैं। इसके सामने ही जो ये बिल्कुल अपोजिट है, ये है प्रसारण भवन ब्रॉडकास्टिंग एयर इंडिया का ऑफिस, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी एसोसिएशन है SC ST की। उसके जो गुरावा जी हैं वो अध्यक्ष हैं, और सामने OP गौतम जी हैं जो आकाशवाणी के ऑल इंडिया के SC ST एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट से सामने अगर जाएंगे तो पार्लियामेंट मिलेगा, और पार्लियामेंट में बाबा साहब का स्टैचू है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 20 साल पहले हम लोग यहाँ कार से आया करते थे, और 12 तारीख की रात को, 12 अप्रैल की रात को यहाँ कहीं जगह घेरते थे, एक रस्सी बांधते थे ताकि अपना स्टॉल लगा सकें और हमें अच्छी प्राइम लोकेशन की जगह मिल सके। तो 12 तारीख की रात को आते थे, 13 तारीख को हमारा टेंट वाला आता था, वो टेंट लगाता था, और 14 तारीख को सुबह सारे लोग आते थे। धीरे धीरे यहाँ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो यहाँ स्टॉल की मारामारी होने लगी। जब स्टॉल की मारामारी होने लगी तो जो सामने रिजर्व बैंक वाली एसोसिएशन है और एयर इंडिया वाली है, इनके दोनों लोगों ने, गुरावा जी ने और OP गौतम जी ने, एक एसोसिएशन बनाई। उस एसोसिएशन का काम था कि यहाँ स्टॉल के लिए जगह को एलोकेट करें, और जगह को एलोकेट करने के लिए यहाँ जितना भी काम उन्होंने किया उससे ये फ़ायदा हुआ कि अब हमें रात को यहाँ सोना नहीं पड़ता। तो यहाँ हर साल लगातार नियमित रूप से 14 अप्रैल को बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों लोग यहाँ आते हैं और हजारों की तादाद में यहाँ स्टॉल लगाने वाले आते हैं। बहुत दूर तक, उधर थाना है पार्लियामेंट स्ट्रीट का, वहाँ तक गोल चक्कर है, पटेल चौक है, सारा का सारा ये भरा रहता है। और सुबह से बल्कि 13 तारीख की रात से ही यहाँ बहुत ज़्यादा टेंट वगैरह का आवाजाही शुरू हो जाती है, मेला सा लगना शुरू हो जाता है, जो दोपहर 3-4 बजे तक 14 अप्रैल तक रहता है। उसके बाद लोग प्रेरणा स्थल पे, जो नोएडा में है, या जो बाबा साहब जहाँ आखिरी सांस लिए थे, अलीपुर रोड, 26 अलीपुर रोड, वहाँ जाते हैं, और ये सारा काम लगभग चलता रहता है। पिछले साल 2020 में कोविड की वजह से सारा लॉकडाउन था, इसलिए यहाँ कोई मेला लग नहीं पाया। अभी भी जो कोविड की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हो सकता है कि मेला लग ना पाए क्योंकि अभी तक अनुमति नहीं मिली है। आज शनिवार का दिन है और बुधवार को 14 अप्रैल है, लगता नहीं है कि कोई एसोसिएशन यहाँ कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अगर होती तो अनाउंसमेंट हो भी जाता। ये यहाँ का जो मेले का पूरे दुनिया में और पूरे भारत में एक अपना ही स्थान है, जहाँ सबको पता रहता है कि यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन बाबा साहब के चरणों में अर्पित करते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मैं यहाँ आज साइकिल से आया हूँ और 14 अप्रैल को सुबह मैं 7 बजे यहाँ साइकिल से परिवार के साथ आऊँगा। चाहे मेला लगे या ना लगे, क्योंकि ये जो मेला है, ये मेला दरअसल हमारी आदत में आ चुका है, और हम यहाँ हर साल 14 अप्रैल को आते ही आते हैं। यहाँ आकाशवाणी भवन पे हम स्टॉल लगाते हैं, यहाँ हजारों लोग आते हैं, जो कोई पूड़ी, कोई खीर, कोई रसगुल्ले, कोई गुलाब जामुन, कोई लड्डू, कोई बिस्किट, कोई केले, कोई पानी, और हजारों यहाँ किताबों के मेले लगते हैं। किताब, कैलेंडर, पुस्तक, चित्र यहाँ बिकते हैं, बच्चे छोटे छोटे यहाँ बड़े एंजॉय करते हैं, यहाँ नाच गाना भी खूब होता है, ढोल तमाशे भी यहाँ खूब लगते हैं। बाबा साहब का बर्थडे यहाँ पूरे धूमधाम से, पूरे भारत में सबसे बेहतर तरीके से यहाँ मनाया जाता है। इसलिए मैं यहाँ सुबह 7 बजे आऊँगा ज़रूर, चाहे पार्लियामेंट खुले या ना खुले, चाहे परमिशन हो या ना हो, क्योंकि लॉकडाउन नहीं है, इसलिए साइकिल से, स्कूटर से, पैदल, बस से इंडिविजुअल रूप में मास्क लगाकर आया जा सकता है, आना चाहिए, क्योंकि आदत बनी रहनी चाहिए। बाबा साहब को श्रद्धा सुमन हम घर पर भी अर्पित कर सकते हैं, बुद्ध विहार में भी कर सकते हैं, अम्बेडकर भवन भी कर सकते हैं, मगर यहाँ की जो आदत है और यहाँ का जो मज़ा है और यहाँ जो लोगों से मिलने में और जुलने में जो मज़ा आता है, वो जयंती को एक अलग ही रूप देता है। बड़े बड़े TV के चैनल भी यहाँ आते हैं, हालांकि रिकॉर्डिंग करके सब ले जाते हैं, मगर किसी अज्ञात डर की वैसे दिखाता कोई नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से आज भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। हालाँकि वो जीवित नहीं है, मगर वो जीवित से भी ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, क्योंकि उनके अनुयायी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बाबा साहब ने कभी अपने पूरे समाज को दलित नहीं कहा, उन्होंने हमेशा डिप्रेस क्लास कहा, यानी कि ऐसा समाज जिसका सब कुछ छीना गया है, जिसको दबाया गया है। इसलिए यहाँ आप लोग आइए और यहाँ आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। अगर बाबा साहब का स्टैचू ना भी खुला हुआ हो
तो आप अपने फूलों को, अपने श्रद्धा सुमन को प्रतीक के रूप में किसी पेड़ पर टांग सकते हैं, कहीं रख सकते हैं। आपका आना इम्पोर्टेंट है, आपका यहाँ आना बहुत ज़्यादा प्रमुख है, क्योंकि आप अपनी आदत को छोड़ नहीं रहे हैं। महामारियाँ, कोविड, भूचाल, भूकंप, सुनामी, हमले, लड़ाई झगड़े, ये बहुत सारी चीज़ें देश में आती जाती रहती हैं, मगर जो काम लगातार निरंतर चलता रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। जैसे नदी का पानी कभी नहीं रुकता है, इसलिए आप सब लोग यहाँ जैसे हर साल आते हैं वैसे ही हर साल यहाँ आइए, और फूलों के साथ आइए, अपने श्रद्धा सुमन के साथ आइए, इंडिविजुअल आइए, मास्क लगा के आइए, और अगर पार्लियामेंट खुलती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं खुलती है तो कहीं फूलों को रख कर चले जाइए, और कहीं नहीं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आगे ही रख के चले जाइए। यहाँ एक यक्ष की, यक्षिणी की फ़ोटो है, ये भी भगवान बुद्ध का है, एक पूरा चिन्ह है। यक्षों को भगवान बुद्ध ने बहुत ज़्यादा पढ़ाया था, उनसे वाद विवाद होता था, और वाद विवाद में यक्षों ने यह माना कि भगवान बुद्ध वास्तव में ही बुद्ध हैं, बोधि प्राप्त हो चुकी है, और वो उनके शिष्य भी बने, और डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाउंडेशन रखी है। तो आप पूरी रोड पर कहीं भी कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। आइए जरूर, आइए जरूर, आइए जरूर। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.